Free Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं सिटी लाइव न्यूज और हमारा प्रोग्राम है आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर हर रोज आपके लिए कोई ना कोई एक बड़ा सुलगता हुआ मुद्दा जो है वो लेकर आते हैं, और इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे स्कूलों की फीस माफी को लेकर। जैसा कि हम पहले भी कुछ कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम के दौरान दे चुके हैं, और एक बार फिर आज हम तैयार हैं आपके लिए, फीस माफी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो हमारा पैनल है उसमें हमारे साथ मौजूद है राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट नरेश गोयल जी, और हमारे साथ मौजूद हैं पूनम भास्कर जो कि शिक्षाविद हैं और स्कूलों से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेश चंद्र गोयल साहब, एनसी गोयल साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो निजी स्कूलों की लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनके स्कूल की जो बच्चों की जो फीस है वो कम से कम 3 महीने की माफ हो, आपका क्या मानना है? मेरा इस संबंध में स्पष्ट मानना यह है कि इस समय देश के अंदर एक महामारी चल रही है। महामारी ऐसी है जिसमें जितने भी प्रोडक्टिव वर्क हैं वो सब रुके हुए हैं, और स्कूल जो है अपने 12 महीने की फीस लेते हैं। इस 12 महीने की फीस में कम से कम 3 महीने ऐसे होते हैं जो छुट्टी के महीने होते हैं, और इसमें ये संभवतः ऐसा है कि जो जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनको ये सैलरी दें या ना दें। लेकिन वर्तमान स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि ये महामारी के समय में जब पेरेंट्स के जब स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं और पेरेंट्स का कोई भी काम नहीं चल रहा है और उनके पास आय के साधन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो फीस है उस फीस को जो है ना केवल पोस्टपोन किया जाए बल्कि उस फीस को बिल्कुल माफ कर दिया जाए। और इस माफ करने के कई कारण हैं जी। एक सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब स्कूल्स जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करा करके ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, और इन प्राइवेट स्कूल्स का मोटो जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर होता है कि अगर इसका ये कि जितना भी उनकी आय होती है उस सब को ये इसके ऊपर खर्च करें। अगर इनका प्रॉपर असेसमेंट ऑडिट करा लिया जाए तो इस ऑडिट में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जितनी स्कूल की बच्चों से इनको फीस मिल रही है, जितनी इनको डोनेशन मिल रहा है, जितना इनके आय के स्कूल में और साधन है उस प्रपोर्शन में ये खर्च नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इस समय जो देश के अंदर ऐसी महामारी चल रही है और उसमें ये 3 महीने की अगर फीस माफ कर देते हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। ये वैधानिक रूप से भी, मानवता के आधार पर भी और अन्य सभी प्रकार से ये 3 महीने की फीस करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल वकील साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा इसी क्योंकि पूनम जी देखिए, वकील साहब का कहना है कि वैधानिक रूप से भी देखें और सामाजिक रूप से भी देखें तो 3 महीने की जो स्कूल की फीस है वो माफ होनी चाहिए। आप क्योंकि पूनम जी स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेवी भी हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या 3 महीने की फीस जो है वो माफ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं अपना यहाँ पे पक्ष रखना चाहती हूँ। सर सही कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रस्ट का स्कूल है, अगर कोई गवर्नमेंट उसको एड दे रही है तो उन लोगों को लेना चाहिए नहीं चाहिए ये उनका अपना निजी मामला है। वो अच्छी ग्रांट उठाते हैं गवर्नमेंट से, अपने स्कूल पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निजी स्कूल किसी व्यक्तिगत आदमी ने खोल रखा है और उसको अपने स्कूल के सारे खर्चे चलाने पड़ते हैं, आप देखिए अभी 3 महीने स्कूल बंद है लेकिन स्टाफ को पे करने का भी गवर्नमेंट बोल रही है, साथ ही जो जितने भी और एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल्स हैं, जो भी उनके स्कूल का जो खर्चा आता है वो तो उनको पे करना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। और अगर कोई बहुत अगर जैसे सिसोदिया सर ने बोला है, डिप्टी सीएम दिल्ली ने बोला है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फीस जमा करवाने में, अगर कोई किसी का पेरेंट एप्लीकेशन दे देता है कि हाँ हमारी बहुत मजबूरी है, तो एकदम से किसी को मजबूर नहीं कर सकते हम। लेकिन स्कूल की फीस ऐसे जहां पे निजी है और कोई बिना किसी प्रॉफिट के कोई अपना व्यक्तिगत चला रहा है तो उनको
फीस लेनी चाहिए। अगर किसी को व्यक्तिगत समस्या है किसी पेरेंट्स की, वो कहता है कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, मेरे को सैलरी नहीं मिली है, या कुछ लिखित में दे देता है, तो एकदम से हम पेरेंट्स को मजबूर नहीं कर सकते। उनको हम कुछ समय दे सकते हैं, अभी नहीं तो चलो एक महीने बाद, दो महीने बाद। तो इस तरह से मैं तो इस पक्ष में हूँ कि फीस देनी चाहिए। और अभी आप देखिए, हम ऑफलाइन है लेकिन क्लासेस ऑनलाइन है, टीचर्स अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। आप देखिए क्लास में तो बच्चों पे हम सिर्फ इतना ही ध्यान दे पाते हैं कि बच्चे हैं और हम हैं। अभी हमारा टास्क देखिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है। बच्चा अगर घर पे है और बाहर उसका हवाई जहाज उड़ रहा है, वो देखने जाएगा। पेरेंट्स अगर पास में है, वो बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं हमें, तो हम कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं। और इन छुट्टियों में भी उनके लिए ऐसी प्लान कर रहे हैं कि अगर किसी का फादर डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो वो भी हमें सुन सकते हैं। एक किसी भी बात से हमारी प्रोनाउंसिएशन पे भी वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो हमें इतना ज्यादा काम जो है, मतलब क्लास में तो हम सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करके जाते हैं कि बच्चे और हमारा मेंटल लेवल कितना है। अभी अगर मैं 90 बच्चों की क्लास ऑनलाइन पे हूँ, इसका मतलब 90 पेरेंट्स के साथ दो दो और उनके माता पिता, 180 प्लस 90 लोग मुझे देख रहे हैं, तो क्या मेरी मेहनत जो मुझे स्कूल मेहनताना देगा, उसके लिए क्या फीस ली नहीं जानी चाहिए? मेरा ये पक्ष है कि फीस ली जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका पक्ष ये है। यहाँ पर जैसा कि गोयल साहब ने अभी बताया और पूनम जी ने बताया, अब हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमारे प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उनका स्कूल फीस को लेकर क्या कहना है, और साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं उनका स्कूल फीस माफी को लेकर क्या मानना है, आइए सुनते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल वालों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आपको भी दो महीने की फीस, तीन महीने की फीस खत्म करनी चाहिए। इस वक्त पूरा देश एक दूसरे की मदद में खड़ा हुआ है, तो प्राइवेट स्कूल वालों के दो महीने या तीन महीने की फीस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको भी ये फीस विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरा देश संकट से लड़ रहा है और इस संकट की घड़ी में प्राइवेट स्कूल वालों को भी फीस माफ कर देनी चाहिए। किस लॉकडाउन पीरियड में प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फीस माफ की जाए, और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा है। मैं अभी बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि बहुत सारे स्कूलों ने अब उनको मैसेज ये करना चालू कर दिया कि ऑनलाइन फीस का पैसा भरें। ये बहुत गलत है और ये एक तरह से मानसिक यंत्रणा है पेरेंट्स के ऊपर कि इस लॉकडाउन पीरियड में उनके बच्चों को यंत्रणा दी जा रही है, मानसिक यंत्रणा, कि वो दो दो तीन तीन घंटे ऑनलाइन पढ़ें। फीस बढ़ने का मैं सख्त विरोधी हूँ, उनके फीस में आप लोग रिलैक्सेशन करें। सरकार से भी मेरी मांग है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फीस माफ की जाए तीन महीने की। देखिए जिस तरह की जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं उन्होंने भी, और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी ये समर्थन किया है कि स्कूल की जो फीस है वो माफ होनी चाहिए। यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं एक बार फिर पूनम जी से और गोयल साहब से। गोयल साहब, जैसा कि पूनम जी ने भी कहा कि जो स्कूल की जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, उनकी सैलरी भी देनी पड़ती है, तो वो सैलरी स्कूल के जो ऑनर्स हैं, स्कूल के जो संचालक हैं, वो कहाँ से लेकर आएंगे? जी गोयल साहब, आपके इस बिंदु पर आने से पहले मैडम ने पहले ये बात बताई थी कि एक तो क्लासेस में पढ़ाई होती है और एक ऑनलाइन पढ़ाई होती है। अपन इस विषय पर लादा है, अपन इस विषय पर जाए कि जब वर्तमान में इस तरह की परिस्थिति है, जबकि पेरेंट्स को सैलरी मिलना मुश्किल हो रहा है, पेरेंट्स के लिए नहीं कि सभी सर्विस क्लास पेरेंट्स हों, कोई बिजनेस क्लास पेरेंट्स भी हैं, दूसरे इस तरह के पेरेंट्स भी हैं जिनको रेगुलर समय सैलरी नहीं मिल रही है, उस तरह के पेरेंट्स को जो है इस समय रेगुलर मंथली फीस जमा कराना मुश्किल हो रहा है। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो भी जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी बनके और फिर वो प्राइवेट स्कूल रन किए जाते हैं, और इन सोसाइटी का मेन पर्पज होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इनका ऑडिट कराया जाए, अगर इनका ऑडिट कराया जाए तो इनके ऊपर जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ना चल करके बहुत ही अधिक प्रॉफिट में चल रहे हैं। जब ये खुद जो है कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, जब इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर जितनी इनकी आय होती है उतना ही अगर ये खर्च कर रहे हैं, महीने की महीने खर्च कर रहे हैं, साल की साल खर्च कर रहे हैं, अपने स्कूल के डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, स्टाफ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, जब तो ये माना जाए कि इनके पास इस तरह का किसी भी तरह की कोई पूंजी नहीं है जिससे कि इनको स्टाफ को देने के लिए, स्कूल में खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर इनका ऑडिट कराया जाए तो ऑडिट में आप ये पाएंगे
इनके पास आय से व्यय से अधिक बहुत जबरदस्त आय है, और ये आय एक ऐसे समय के लिए होती है जिसमें कि अगर महामारी हो, कोई विशेष परेशानी हो, एपिडेमिक हो, तो उस समय जब इस तरह की मजबूरी हो कि पेरेंट्स किसी तरह की फीस देने में असमर्थ है, तो इनको 3 महीने की फीस देने के लिए मेरा मानना यह वैधानिक रूप से बाध्य है। जी पूनम जी, जिस तरह गोयल साहब का कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो सरकार जो स्कूलों को परमिशन देती है उसमें कहीं ना कहीं जो डोनेशन की स्थिति है, चाहे वो हम जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव में खरीद लेते हैं, चाहे उनको यहाँ तक कि हमने देखा है कि बहुत सी जो निजी स्कूल है उसमें एडमिशन के दौरान ही लाखों रुपए जो है वो डोनेशन के नाम पर स्कूलों के द्वारा लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह की महामारी फैल रही है और लगातार लोगों की जॉब जो है वो भी जा रही है, तो उसके बाद जैसा कि सरकार ने भी एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा था कि 3 महीने के बाद आप फीस दे दीजिए, तो वो 3 महीने के बाद क्या उनकी सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी या सरकार उनको और सैलरी देगी या और पैसा देगा, तो वो आखिर पैसा लेकर आएंगे कहां से, ये जानना चाहते हैं पूनम जी आपसे। गोयल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप स्कूल की ऑडिट करते हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, अगर मुनाफे में चल रहे हैं स्कूल तो आप उनको बाध्य नहीं करें, या फिर कुछ उनसे आप गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए कि वो लोग फीस ना ले बच्चों से। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल को जानती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स जो है फीस देने के काबिल ही नहीं है। 200 में से 100 बच्चों की फीस नहीं आती है, 500 में से 300 बच्चों की फीस आती है, 200 बच्चों की फीस नहीं आती है। जो स्कूल रन कर रहे हैं उनको खुद चलाना पड़ता है। हम ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, बच्चों के घर पे एक फोन नहीं है, एक फोन नहीं है, तो पढ़ने के लिए तो एक्स्ट्रा फोन चाहिए बच्चों को। और ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चों के पास फोन नहीं है, और स्कूल फीस पूरी नहीं ले पा रहा है, नुकसान में चल रहा है, और जो निजी मालिक है वो किसी और बिजनेस के थ्रू अपना स्कूल चलाने की कोशिश करता है, और कोई आम आदमी अपना स्कूल खोला है। ऐसे स्कूल्स को माफी गवर्नमेंट को फीस लेने देने के लिए अनुमति देनी चाहिए। अगर कोई मुनाफे में स्कूल है, डोनेशन लेता है, किताबों से कमाता है, तो एक गवर्नमेंट का ये नीति मामला है, वो एक अलग कानून बनाकर ये पारित करे कि नहीं नहीं ये वाले स्कूल तो डोनेशन भी लेते हैं और इनके जो फायदे में जा रहे हैं ये स्कूल जो है इन पेरेंट्स से ना ले। और उसमें भी RTA एक्ट के तहत हमारे पास जो गरीब बच्चे हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं, अलग से लिस्टिंग करके ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कौन से स्कूल, ये तो गवर्नमेंट करे ना कैटेगराइज की कौन से स्कूल लें और कौन से नहीं लें। जो मुनाफे में चल रहे हैं, जिनकी 80-90-100 बसें हैं वो ले लें, और जिनके पास जी जी गोयल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, पहले अपन इस वैधानिक स्थिति को देखें। प्राइवेट स्कूल चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, चाहे हल्का स्कूल हो, चाहे किसी तरह का स्कूल हो, उस स्कूल की जो रनिंग पोजीशन है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और सोसाइटी स्कूल को रन जी फिर वो सोसाइटी उस स्कूल को रन करती है, और उस सोसाइटी का पर्पज होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरा कहने का पर्पज यह है कि अगर इन इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट कराया जाएगा तो 99% 100% इंस्टीट्यूशंस इस तरह के होंगे कि इनका जो है प्रॉफिट पर, बहुत अच्छे प्रॉफिट पर ये स्कूल चल रहे हैं। जितनी इनकी आय होती है उससे उस प्रपोर्शन में ये 40% या 50% इनका खर्च नहीं होता। अगर इनका जब से स्कूल बनाया और आज तक का ये देखा जाए तो इनके ऊपर आय एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितनी है कि अगर 3 महीने के, अगर ये 3 साल भी इन बच्चों की स्कूल की फीस माफ करें तो इनके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि इस समय परिस्थिति ये देख रही है कि इस समय महामारी है, इस तरह की परिस्थिति है कि जिनके पास पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए नहीं है। पेरेंट्स की स्थिति ये है कि उनको पास सैलरी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स के पास ये है कि उनको पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये नहीं है कि हर पेरेंट्स हर तरह का हो, जो जिस स्कूल में जिस तरह का बच्चा पढ़ता है उसमें भी जितने पेरेंट्स हैं उनके पास हरेक की अपनी स्थिति अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर एक विशिष्ट परिस्थिति है, एक महामारी चल रही है, और इनके ऊपर आर्थिक रूप से किसी भी तरह का बोझा नहीं है, क्योंकि अगर इनका जब ऑडिट कराया जाएगा तो जितनी भी इनकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो सरकार में जमा होगी, वो इनका पार्ट नहीं है सर, स्कूल का पार्ट नहीं है, जो अमाउंट है वो सरकार का पार्ट। अगर उसी अमाउंट से जो है बच्चों की फीस माफ करते हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इनका एक बार आप ऑडिट करवा दीजिए, एक बार आप ऑडिट करवा दीजिए, ये आपके पास आकर के कहेंगे कि अब हम 3 महीने की क्या 3 साल की फीस जमा कराने को तैयार है, ये मेरा दावा है। जी पूनम जी, यहाँ पर गोयल साहब का मानना है और हम लोग भी जो मार्केट में देखते हैं, जो बाजार में देखते हैं, वहां पर अगर कोई भी एक छोटा सा स्कूल भी खोलता है उसके बाद वो हर साल बढ़ोतरी होती रहती है, तो कोई भी स्कूल का जो ऑनर होगा
वो कोई समाज सेवा के लिए या कोई नुकसान के लिए स्कूल नहीं खोलेगा। ठीक है, आपकी बात सही है, वो समाज सेवा के लिए खोल सकता है, लेकिन यहाँ नुकसान होता रहे और वो स्कूल चलाता रहे ऐसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने में नहीं आता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं या जिन लोगों को अभी इस महामारी के समय में बहुत परेशानी हो रही है, तो उनके लिए स्कूल प्रशासन को या स्कूल ऑनर्स को क्या करना चाहिए आगे आकर, जिससे कि जो देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाई भी उनकी पूरी हो सके और वो समाज में एक अपना स्थान भी बना पाए। पूनम जी, मैं सहमत हूँ गोयल सर से और दीपक जी आपसे भी, लेकिन फिर मेरी बात वही है कि अगर कोई बच्चा किसी ऐसे प्रॉफिट वाले स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आप बड़े स्कूल्स की बात करें, नामी स्कूल्स की बात करें जो डोनेशन लेते हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा खर्चे उठाते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कोई छोटे मोटे आदमी का बच्चा किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता है सर। और जो छोटे स्कूल हैं वहां मैंने देखा है बच्चों को पेंसिल हम प्रोवाइड कराते हैं, रबड़ हम देते हैं। आप अगर बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दो तो माँ लड़ने आ जाती है कि 100 रुपए का प्रोजेक्ट बनवा दिया आपने। तो ऐसे वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप बच्चे की किताबें ना लो, ये ना लो, और फीस और नॉमिनल फीस है वो भी ना दो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो हमें जो है फीस बिल्कुल इसलिए भी लेनी है। अभी मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको मैंने देखा है, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि पूनम हमें तो स्कूल से ही निकाल दिया। मैंने कहा कैसे निकाल दिया? बोले 20 मार्च तक रखा और 20 मार्च तक का सैलरी बना के बोला जी आप जाओ, अभी तो लॉकडाउन कितना लंबा चल रहा है पता नहीं है। तो बात ये है कि अगर हांडी है किचन में, एक से दूसरे से तीसरे से जुड़ी हुई हांडी पड़ी है और एक खिसकती है तो पूरी खिसक जाती है दीपक जी। और अगर जी हम ये कहते हैं कि ऐसे स्कूल फीस नहीं ले रहे तो टीचर्स भी तो बेरोजगार हो गए, क्या उनको खाने को बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए, क्या पीने को नहीं चाहिए, क्या उनका परिवार नहीं है? तो एक टीचर पे भी ऐसी मारी क्यों हो? अगर फीस लेंगे, नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, बड़े स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, जिनके 80-90-100 बसें चलती हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप नीचे आइए, जी जो बिना प्रॉफिट के स्कूल चल रहे हैं इसलिए चला रहे हैं लोग कि चलो आसपास की जो लोग रहते हैं वातावरण में, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई करानी है, उस तरह से जो स्कूल चल रहे हैं वो अगर तो 2-5, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार वाली भी फीस माफ कर दें तो क्या वो स्टाफ को निकाल दें? बिल्कुल उनके मैं पास गोयल साहब मेरा एक जी बिल्कुल पूनम जी आपका कहना भी सही है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी जो है सैलरी देनी होती है, जो बैक ऑफिस का स्टाफ है उनको भी सैलरी देनी होती है। यहाँ पर गोयल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी स्कूल हैं जिसमें वो फीस भी ले रहे हैं और टीचर्स को निकाल भी रहे हैं और स्टूडेंट्स बिल्कुल से भी फीस ले रहे हैं और बहुत सी टीचर्स को निकाल रहे हैं, तो इन सबके पीछे कोई कानूनी प्रावधान या कोई जनहित याचिका इस तरह का कोई हो सकता है जिससे कि स्कूल के बच्चों की जो फीस है वो भी ना ली जाए और जो टीचर्स है उनकी जॉब भी नहीं जाए, क्योंकि पूरा ही एक जनहित का मामला है। गोयल साहब आप कानून के पारखी हैं, आप कानून की नजर में क्या देखते हैं? बिल्कुल मैं ये मानता हूँ सर, इन परिस्थितियों में नहीं बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी स्कूल के किसी टीचर को निकालना संभव नहीं है। टीचर को निकालने जी के लिए एक विशेष रीजन होते हैं, विशेष कारण होते हैं, विशेष तरीका होता है, और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। उस ट्रिब्यूनल के तहत अगर इन टीचर्स को किसी भी तरह से इलीगल रूप से निकाला जाता है तो वो उस ट्रिब्यूनल की शरण ले सकते हैं और वो ट्रिब्यूनल इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसी स्थिति में अगर टीचर्स को ये स्कूल कोई निकाल भी रहे हैं तो चाहे वो निकाल दें लेकिन वो अपनी सैलरी के लिए पूरी तरह से हकदार होंगे। दूसरा मेरा मानना यह है कि स्कूल के जो इस तरह छोटे स्कूल हैं तो वो कम फीस, टीचर्स को कम सैलरी दे रहे हैं, स्टूडेंट से कम फीस ले रहे हैं, कम उनका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गरीब तबके के और आम सामान्य व्यक्ति का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। जैसे जैसे उस स्तर ऊंचा चला जाता है वो सोसाइटी के स्टेटा के अनुसार उसी तरह के उनमें पेरेंट्स आते हैं, उसी तरह के उनमें बच्चे आते हैं और उसी तरह की उनमें फीस होती है और उसी तरह से उनसे टीचर्स को वो सैलरी वगैरह देते हैं। तो मेरा जी कहना ये है कि निश्चित रूप से जब जिस स्तर का जो स्कूल है और उस स्कूल के, क्योंकि कोई भी स्कूल हो, चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, हर स्कूल जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा करके ही स्कूल रन किया जा सकता है। और ये स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर स्कूल का जो असेसमेंट होता है, ऑडिट होता है, अगर इनका प्रॉपर ऑडिट देखा जाए तो मेरा जो सबसे बड़ी चीज दीपक जी आपसे कहना है वो जी ये है कि इस सोसाइटी का ऑब्जेक्ट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जो स्कूल रन किए जा रहे हैं उन पर किसी भी तरह की उनसे आय नहीं की जा सकती,
बिल्कुल आय नहीं कर सकते, उनसे धंधा नहीं कर सकते। कानूनन जो प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ, हालांकि जी आय बहुत ज्यादा सकते हैं। जब भी तो ये है कि आज 4 कमरों का स्कूल है, अगली साल 10 कमरों का स्कूल हो जाता है, अगली साल 100 कमरों का स्कूल हो जाता है, ये कहाँ से हो जाता है? ये कोई अपने लगाने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब इनका प्रॉपर असेसमेंट हो जाए, प्रॉपर ऑडिट हो जाए, तो इनकी स्थिति मालूम चल जाए कि आय के मुकाबले में इनका व्यय बहुत कम हो रहा है, इनका 50% भी व्यय नहीं हो रहा। तो इनकी जो सेव्ड जो अमाउंट है 50% अमाउंट, ये अमाउंट जो है ये अपने पास नहीं रख सकते, इस अमाउंट को इनको सरकार में जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में से अगर इस अमाउंट बच्चों की फीस माफ कर देते हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी पड़ रही है। अगर नहीं ये करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कोर्ट में सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए रिट कर दें कि इन इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर ऑडिट करा दिया जाए, जी जिस दिन कोर्ट का नोटिस ये हो गए कि इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर ऑडिट करा दिया जाए, बिल्कुल उसी दिन मैं ये कहता हूँ, 3 महीने की तो क्या 6 महीने की आगे आकर के कहेंगे कि साहब हमारे को ऑडिट से बचाया जाए, हम 3 महीने की जगह 6 महीने की फीस जमा कराने को तैयार है, हम इससे 6 महीने की फीस नहीं देंगे। क्योंकि हमको जी 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 बिल्कुल गोयल साहब, मैं आपके पास और पूनम जी के पास एक बार फिर आऊंगा। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं जो अपनी बात भी रखना चाहते हैं स्कूल फीस को लेकर, तो आइए हम पहले उनको भी सुन लेते हैं कि उनका क्या मानना है। ये शिक्षा हर विद्यार्थी का मौलिक अधिकार है, जिसको वो ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसको मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर फीस का जहाँ फीस का मसला है, जब 3 महीने से कोई व्यापार नहीं चला, व्यापार नहीं चल रहा, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो उसका मौलिक अधिकार ही, उसको ये होना चाहिए कि उसकी फीस 3 महीने की इस क्वार्टर में ना क्वार्टर की माफ की जाए। हर स्कूल में उसको ये नहीं भाई एक स्कूल में कर दिया, सारे स्कूलों में 3 महीने की क्वार्टर फीस माफ कर दी जाए। व्यापार करना अच्छी बात है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, परंतु जब इस प्रकार की आमदनी हो तो क्या स्कूल मालिकों का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने स्टाफ को सैलरी भी दें और बच्चों के अभिभावकों को 3 से 6 महीने की फीस माफ करके प्रोत्साहित करें? और हाँ, इस प्रकार का बंद पिछले 100 सालों में तो नहीं सुना गया देखा गया। व्यापार की भाषा में बात करें तो बच्चों के अभिभावक भगवान स्वरूप ग्राहक ही तो हैं। यदि ग्राहक स्कूलों और यही ग्राहक स्कूलों को वित्त पोषित करते रहे हैं, शिक्षा के इस व्यापार पर सरकारों द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, जो एक कड़वी सच्चाई है। अतः इस विषम परिस्थिति में स्कूल मालिकों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे अपनी स्वेच्छा से ही फीस माफ करके भामाशाही रूप का परिचय दे। स्कूल गोइंग बच्चे की माँ हूँ। स्कूल वाले क्वार्टरली ट्रांसपोर्ट की भी और स्कूल की फीस लेते हैं। 3 महीने से बच्चा जब स्कूल कुछ पढ़ाई कर ही नहीं रहा, स्कूल जा ही नहीं रहा, तो स्कूल की फीस बिल्कुल माफ होनी चाहिए। 3 महीने आगे भी पता नहीं, कोरोना फैल रहा है बहुत ज्यादा, तो 3 महीने स्कूल की फीस बिल्कुल माफ होनी चाहिए। जी देखिए, जैसा कि अभी हमने कुछ अभिभावकों की बात भी सुनी और उन सब के अंदर भी वही दर्द है, वही बात है कि कहीं ना कहीं स्कूल की जो फीस है वो माफ होनी चाहिए। यहाँ पर हम कानूनी पहलू पर भी चर्चा कर रहे हैं, हम स्कूल प्रशासन के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर स्कूल फीस नहीं लेगा तो उनके टीचर्स को किस तरह से सैलरी दी जाएगी, उनका जो बैक ऑफिस है उसमें जो स्टाफ है उसको कैसे फीस दी जाएगी। लेकिन कानूनी पहलू ये भी है कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी इस तरह की संस्था हो, वो पूरी तरह से लाभ के रूप में नहीं होती है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है बाकायदा, और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती है, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। और जैसा कि हमारे साथ वकील साहब जुड़े हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, उनका ये कहना है कि इसमें अगर बेनिफिट कहीं नजर आता है तो वो सारा का सारा बेनिफिट जो है सरकार के खाते में जाएगा। तो कोई भी स्कूल वाला ये नहीं चाहता कि उसमें फायदा दिखाया जाए, यानी कि हाथी के दांत जो है वो देखने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। यहाँ पर पूनम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे स्कूल संचालकों के माध्यम से, स्कूल ऑनर्स के माध्यम से। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो स्कूल, आप देखिए गवर्नमेंट के पास सारा ऑडिट जाता है हर साल मार्च में, 31 मार्च को हम ऑडिट करके भेज देते हैं, और सारा जितना भी लेखा जोखा है चेक करने वाले जो है गवर्नमेंट के ही ऑफिसर है ना, जो आके जो हमें चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो उनको पकड़ना चाहिए ना कि किस स्कूल का कहाँ नुकसान हो रहा है और कौन सा फायदे में और कौन सी चीज को छुपाई जा रही है, झूठी है, तो तब उनको पकड़ा जाए ना। अब इतने सालों की जितनी ऑडिट हो चुकी है उसके बेस पर आप देखिए, अगर टीचर्स किसी ने निकाले हैं तो हम रिट लगाएंगे टीचर्स, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्कूल तो फायदे में चल रहा है और फीस नहीं लेनी चाहिए तो फीस नहीं लेनी चाहिए।
ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, मान लीजिए अभी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट की फीस ना लेगी, इसके लिए तो मैं पक्ष भी हूँ कि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम फोन नहीं, यूज नहीं कर रहे हैं। स्थिति में पूनम जी, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट की फीस भी ले रहे हैं, उन्होंने माफ नहीं किए। बहुत से स्कूलों ने तो अपने 3 महीने की फीस भी माफ कर दी है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी ले रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? जी दीपक जी, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना, अगर एक दिन में किसी स्कूल का 25,000 का पेट्रोल लगता है, वो तो नहीं लग रहा, तो गाड़ी हाँ वही खड़ी है तो उसका तो नहीं लेना चाहिए। हम इसी बात का विरोध करेंगे, जब जब स्कूल नहीं चल रहा है, जब गाड़ियां नहीं चल रही हैं। जी हाँ, बिजली का बिल आ रहा है ठीक है, पानी का आ रहा है ठीक है, फोन का बिल आ रहा है देना है, आया रखी हुई है वो सारी उनका देना है हमें, टीचर्स का हमें देना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो चल ही नहीं रहा। लेकिन पूनम जी अभी बिजली का बिल भी उतना नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि स्कूलें बंद पड़ी हुई है, गाड़ियां नहीं चल रही है, ना पेट्रोल का खर्चा है ना बिजली का खर्चा है, ना बाई भी नहीं आ रही है उनका भी कोई, ठीक है उनको सैलरी देनी है, तो फिर आप लगातार इतने सालों से जो आपने स्कूल चला रखा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बेनिफिट हुआ होगा ना। देखिए फिर वही बात है कि ऑडिट में चेक कीजिए आप उनके लेखा जोखा चेक कीजिए जो फायदे में है, अगर आपको लगता है ये फायदे वाले स्कूल हैं और इनके पास इतना बजट है, इनके पास इतनी FDs है कि ये स्कूल को अभी नहीं कई सालों तक अच्छे से चला सकते हैं, तो 1 साल की भी माफ करा दीजिए, लेकिन ऐसे भी स्कूल्स हैं कम से कम आप गिनती नहीं कर सकते कि हर शहर में कितने स्कूल्स खुले हुए हैं, तो सबको एक 5 उंगली की तरह तो हम देखेंगे ना, तो देखेंगे कि एक छोटी उंगली भी है, तो हमें उन पे भी ध्यान देना है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है उसको और मार नहीं मार दी जाए, उसको ये बोल के एक कानून पारित करके कि फीस ही मत लो, फीस तो लेनी है, लेकिन हाँ बात वही है कि आप ऑडिट में गवर्नमेंट को चेक करना है कि कौन से स्कूल इस कैटेगरी के हैं जिनको हम माफ कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको माफ नहीं कर सकते, और जो ऐसी कैटेगरी के स्कूल है उनकी फीस भी नॉमिनल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि पूनम जी का कहना है कि बहुत सी स्कूल ऐसी हैं जो बेनिफिट में भी रहती हैं, लेकिन बहुत सी स्कूल ऐसी भी हैं जो समाज सेवा के लिए चलाई जा रही हैं। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हमारे पास बहुत से मैसेजेज आ रहे हैं लोगों के, वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं न्यायालय की शरण में जाएं, और इसमें बहुत सी टीचर्स भी हैं जिनको स्कूल से बेदखल कर दिया गया है, जिनको स्कूल के बहुत शॉर्ट नोटिस से घर भेज दिया गया है, ऐसे लोग भी न्यायालय की शरण में आना चाहते हैं। तो गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभिभावक न्यायालय की शरण में आना चाहते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी न्यायालय की शरण में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, वो कैसे न्यायालय की शरण में आ सकते हैं? मैं इस संबंध में दीपक जी बड़े एक स्पष्ट चीज बताता हूँ। जैसे कि मैडम जी ने, पूनम जी ने कहा कि जिन टीचर को स्कूल से निकाला जा रहा है वो शायद इस वजह से निकाला जा रहा है क्योंकि उनके पास इस समय कोई फीस नहीं आ रही है, ये कोई निकालने का ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे कि किसी टीचर को निकाला जाए। टीचर बाकायदा इंस्टीट्यूशन में रहने का हकदार है, वो सैलरी का हकदार है। मेरा तो आपके सामने कहने का यह है कि स्कूल की जो 3 महीने की फीस है वो माफ की जाए या नहीं की जाए, मेरा इसमें यह स्पष्ट मत है कि 3 महीने की फीस माफ की जानी चाहिए। 3 महीने की फीस माफ की जाने के लिए जैसे मैंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वाली चीज बताई, दूसरी अगर क्या है जैसे बताया कि मैडम ने बताया कि ऑडिट हर साल होता है, तो इसके लिए तो पूनम जी क्या है कि लेने वाले श्रीनाथ जी और देने वाले श्रीनाथ जी, ऑडिट किस तरह से होता है ये हमें मालूम है। मैं आपके 5 स्कूल का वैसे ऐसे 5 स्कूल मेरे को बता दीजिए जिन्होंने अपना बेस्ट ऑडिट कराया हो, मैं उन 5 स्कूल में से हर स्कूल में इतना बता दूंगा कि इनका ऑडिट कहाँ गलत हुआ है और कहाँ सही हुआ है और इनकी आय कितनी हुई है और खर्च कितना हुआ और इनकी सेविंग कितनी हुई है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनकी आय नहीं होती हो, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर्स को ये नहीं निकाल सकते। अगर किसी तरह से निकालते हैं तो ये इसके लिए हाई कोर्ट में रिट की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया जा सकता है, इंडिविजुअल जो टीचर है जो अफेक्टेड टीचर है विक्टिम है पीड़ित टीचर है वो कोर्ट में जाकर के इस प्रावधान के अगेंस्ट मतलब इस अपने इलीगलिटी के अगेंस्ट में इस अत्याचार के अगेंस्ट में कोर्ट का प्रोटेक्शन ले सकता है और उसको सैलरी का वो पूरी तरह से हकदार है। बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम नतीजा ये निकालें तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। सरकार को ये चाहिए कि वो सभी स्कूलों के ऊपर नजर बनाए रखें, उनकी ऑडिट को है वो पूरे तरीके से चेक करे, और कहीं ना कहीं जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि वो देश का भविष्य है और आने वाला कल है वो हमारे देश का, तो उनकी जो पढ़ाई है उनकी जो स्टडी है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सहयोग होना चाहिए, चाहे वो स्कूल ऑनर्स हों चाहे वो टीचर्स हों, और जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रही हैं
उनकी जॉब भी खतरे में न जाए, ऐसा रास्ता सरकार को भी निकालना चाहिए और अभिभावक और स्कूल के जो ऑनर्स हैं उनको मिल बैठकर इस तरह का एक रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे कि सभी को फायदा हो। और विशेष रूप से एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गोयल साहब आपका और पूनम जी आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके कोई विचार हो, उनकी कोई राय हो, तो वो हमें हमारे सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से दे सकते हैं या फेसबुक माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। City Live, a platform to sharing your thoughts. Platform to sharing your thoughts.